और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी पीएमआरबीपी पाने वाले 32 बच्चों से उन्होंने संवाद की और इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों की वीरता की तारीफ की और कहा कि उनका काम प्रेरित करने वाला है। झारखंड की बेटी सविता कुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आपको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का विचार कहां से आया। इस पर सविता ने कहा कि वो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, इस दौरान उसे प्रेरणा मिली और उसे देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उस प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहाँ तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। क्या ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर, नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ सर, पहले तो पीएम सर पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, मैंने बोला कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सनातू में पढ़ाई करती थी, वहीं से प्रेरणा मिली। भगवान बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सेली में दीदी भैया लोग को देख के हमको प्रेरणा मिली। आपने क्या पीएम से ये कहा कि हम ओलंपिक में भी जाना चाहते हैं? यस सर। क्या कहा आपने? सर, हमको देश के लिए मेडल जीतना है और देश को मेडल देना चाहती हूँ और जब नेशनल एंथम देश के लिए बजता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मैंने ऐसा बोली। प्रधानमंत्री ने आपसे परिवार के बारे में कुछ पूछा? ये सर पूछे कि पहले मम्मी पापा करते थे खेलते थे गेम, तो मैंने बोला नहीं, फर्स्ट हम ही खेल रहे हैं। फर्स्ट आप ही खेल रहे हैं? यस सर। अभी आपकी भविष्य की योजना क्या, अभी कहाँ जाएंगे भाग ले? अभी तो सर टूर्नामेंट नहीं है। क्या बांग्लादेश में जो बात आ रही है कि सर वो खेल चुके हैं? ठीक है। सर, वो खेल बताएं आपको कि तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रही है सविता। प्रधानमंत्री ने ये कहा संवाद के दौरान कि झारखंड की बेटियां हर क्षेत्र में कमाल करती हैं। वर्चुअल संवाद था ये, सविता से संवाद हुआ और सविता की ये ख्वाहिश ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया सविता से और सविता ने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतना उसका लक्ष्य है, उसका मकसद है, उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड साधना। झारखंड की बेटियां हर क्षेत्र में कमाल करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संवाद के दौरान ये बातें कही।
और चलिए आपको सविता से मिलवाते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर मौजूद हैं वहां पर और अंकुर के साथ तीरंदाज सविता भी है। अंकुर, एक गौरव भरा क्षण प्रधानमंत्री के साथ संवाद हुआ और बहुत सीधे और सरल शब्दों में सविता ने भी कहा कि उसका टारगेट है किस तरह वो ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाए। जी बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता से पूछा कि वो आगे क्या एम है, तो उन्होंने सीधा साफ तौर पे कहा कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो जीतना चाहती है। मैं सीधे उनसे बात करूंगा। सविता, अभी आप जो है प्रधानमंत्री से बात की, क्या कुछ प्रधानमंत्री से आपसे पूछा और क्या आपने कहा? सर, मैंने सर ने पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैंने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सनातू से मिली हमको। तो फिर भगवान बिरसा मुंडा आचार्य एकेडमी सेली से दो सर हैं, फिर वो चयन करने के लिए गए थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सनातू, फिर वहीं पे सिलेक्शन होके मैं भगवान बिरसा मुंडा आचार्य एकेडमी सेली में अभी प्रशिक्षण ले रही हूँ। तो जब प्रधानमंत्री ने आपसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ आपसे पूछा, क्या आपके खेल के बारे में पूछा और झारखंड के बारे में क्या कुछ बातें उन्होंने की प्लेयर्स के बारे में? सर ने बोला झारखंड की लड़की बहुत अच्छे कर रही है अभी गेम में, आगे आपको क्या करना है देश के लिए, तो मैंने बोला कि देश के लिए हमको मेडल जीतना है। प्रधानमंत्री ने आपको शुभकामनाएं दी आगे के खेल के लिए? हाँ यस सर, बोले ऑल द बेस्ट, अच्छा से करो सर, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है प्रधानमंत्री से अपनी बात? सर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार प्रधानमंत्री से बात किए हैं। यस सर, क्या लगता है आगे क्या एम रहेगा? आगे हमको एशियन में गोल्ड मेडल जीतना है, देश का मेडल जीतना है। हमारे साथ इस वक्त पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी प्रधानमंत्री से इनकी बात हुई, कितना आपको गर्व महसूस हुआ? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपना बेटी अभी नाम कमा रही है, आगे इसको और बढ़ना है तो अच्छा से वो सिखलाई पाए और अच्छा से कोच सब सिखलाई दे और अच्छा नाम कमाए और कोच का भी नाम हो। जब सविता कुमार ने प्रधानमंत्री से बात करी थी, आप थे उनके साथ, क्या कुछ उन्होंने बात की और क्या कुछ सविता ने अपने स्तर से क्या बोला सर, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने पूछा सविता से? सविता से तो यही पूछा कि खेल अच्छा करो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन रखो, यही पूछा। हमारे साथ सविता कुमारी की माता श्री भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटी बहुत बड़ा काम किए इसलिए हम हमको पता नहीं है। कितनी खुशी हो रही है, आप कुछ करना? ना ठीक ठीक बिल्कुल। आरती, तो आपने देखा कि काफी गर्व जो है महसूस हो रहा है उनके माता पिता को, और सविता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा है, तो काफी गौरव वाली बात है यहाँ पर। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सविता से बात कर रहे थे, तीरंदाज सविता, जिनके साथ अभी वर्चुअल संवाद किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वर्चुअल संवाद में सविता से बातचीत की और अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे सविता के घर की, सविता से बातचीत, उनके माता पिता से मुलाकात।